नमस्कार, आपके साथ हूं मैं समीका राठौर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिवाली वोकल फॉर लोकल। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली। हर वर्ष हम बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से दिवाली के अवसर पर बाजारों में चाइनीज आइटम का दबदबा कायम रहा है, लेकिन क्या इस दिवाली में भी ये देखने को मिल रहा है? वोकल फॉर लोकल के नारे से कितना बदला है इस बार देश के बाजारों का मूड? देश भर में दिवाली के त्यौहार की धूम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब वापस अयोध्या लौटे थे, जिसका अयोध्या वासियों ने उनका लाखों दीप जलाकर स्वागत किया था, ये परंपरा आज भी कायम है। दीपावली के दिन सभी घर दियों से जगमग रहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि घर को साफ सुथरा रखने से इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं घर पर पधारती है। इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली के दिन हर कोने में दिए जलाने चाहिए। हालांकि आजकल एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे बल्ब लगाने का चलन है, लेकिन मिट्टी के दीयों का आज भी कोई जवाब नहीं है। रिपोर्ट आप देखें। आधुनिकता की चकाचौंध में गुम हो रही भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए दीपों के त्योहार पर मिट्टी के दिए जलाएं, तभी पर्यावरण के साथ हम सब संरक्षित रह सकते हैं। इसलिए सब लोगों को मिलजुल कर घरों में मिट्टी का दिया जलाने से एक वर्ष का जो विकार रहता है वह भी दूर होता है। कुछ वर्षों से परंपरा व रीति रिवाज के प्रतिकूल दीपावली पर घरों में जलने वाले मिट्टी के दिए को कृत्रिम रोशनी ने अपने आगोश में लेकर भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया है। इससे बचने के लिए स्वदेशी अपनाओ के स्लोगन के साथ लोग घरों में मिट्टी के दिए जलाने की तैयारी में लग गए हैं। गाँव से लेकर देवी देवताओं के मंदिरों में भी लोग मिट्टी के दिए जलाने की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली आ रही है तो दियों का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। हमें चाइनीज माल नहीं लेना चाहिए और हमें ये अपने कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। और आज की हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनको भी ये बताना चाहिए कि हम किस तरह से दिए जलाते हैं। मिट्टी के दियों का बहुत महत्व है और इनसे कोई नुकसान भी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहें और इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और चाइनीज माल अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे। मिट्टी के दिए जलाने से घरों में व्याप्त अंधेरा भी छटता है तथा पर्यावरण को भी इससे नुकसान नहीं होता। पर्यावरण को बचाना है तो एक व्यक्ति को स्वदेशी अपना कर अपने घरों में मिट्टी का एक एक दीपक जलाना होगा। कृत्रिम लाइट का व्यापार कुम्हारों के रोजगार पर भी आफत बनकर आ गया था। इससे लोगों का रोजगार भी छिन गया था। घरों में मिट्टी के दीपक यदा कदा ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने आधुनिकता को त्याग पुरानी पद्धति के तहत मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करने का कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं करनाल में हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पिछले 50 सालों से मिट्टी के दिए और मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार हो रहा है। इसी पर कुम्हारों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और रोशनी का त्यौहार है, और ये त्यौहार जब आता है तो चारों तरफ खुशियां होती हैं। हम भी पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां पर 50 साल से दिए बनाए जाते हैं जो आपके घर को जगमग कर देते हैं। क्या क्या
बनता है मिट्टी से यहाँ पर, वो हम आपको दिखाएंगे। और तमाम लोग यहाँ पर आकर खरीदारी भी करते हैं और आप देख भी पा रहे हैं कि आज के समय में जो दियों का क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम लोग दिए बनाते भी हैं और उन्हें बेचते भी हैं। तो चाइनीज़ सामान को नहीं ख़रीदना है, दियों को जो है तवज्जो देनी है और अपने घर इन दिवाली पर दिए हमने जलाने हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो सामान है, चाहे वो मिट्टी के घड़े हों, छोटे घड़े हों, छोटे दिए हों या बड़े दिए हों, या इसके अलावा तमाम और जो सामान है मिट्टी का, वो इस दिवाली मनाया जा रहा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर करीब 50 सालों से दिए बनाए जाते हैं, करीब 4 से 5 पीढ़ियाँ लगातार दिए मटके बनाती हुई नज़र आ रही है। बच्चे उन्हें रंगते भी हैं और अभी दिवाली नज़दीक है तो ऐसे में जो ख़रीदारी है वो भी बढ़ जाती है और तमाम लोग यहाँ पर आकर मिट्टी के दिए ख़रीदते भी हैं। आप देख सकते हैं कि दिए बनाए भी जाते हैं, उन्हें रंगा भी जाता है और अलग अलग प्रकार के जो दिए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे बनते हैं दिए वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मिट्टी आती है और उस मिट्टी को ये तमाम लोग दियों में तब्दील कर देते हैं और आप देख भी पा रहे हैं ये मिट्टी के तमाम दिए, अलग अलग प्रकार के दिए, अलग अलग जो डिज़ाइन है वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और अंकल जी यहाँ पर कई सालों से अपने परिवार के साथ दिए भी बना रहे हैं। कैसे हैं अंकल जी आप? बढ़िया हैं जी। और कैसा चल रहा है काम? हाँ, काम ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दिए बनाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के दिए बनाए जाते हैं? दिए की तो अब तो वैरायटियां बहुत हो चुकी है जी, गिनती ही नहीं है इनकी। जी गिनती ही नहीं है। हाँ, और लोग भी नई नई चीजें चाहते हैं। हम भी हर साल जो वो भी कहते हैं अभी नया कुछ होना चाहिए, नया तो हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजिंग लाते रहते हैं जी। और क्रेज है लोगों में इस बार? इस बार बहुत क्रेज है जी, पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले से बढ़ गया? हाँ जी। और आप कितने सालों से लगातार दिए बना रहे हैं अंकल? अब हम 35-40 साल से तो बना रहे हैं, 50 साल की उम्र होगी, मतलब स्कूल से ही स्टार्टिंग से। परिवार के बाकी लोग भी पहले से? हाँ, वो पहले हमारे दादा परदादा जी करते रहे थे, उनसे ही सीख करके आगे हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं, उनको शेप दी जाती है और उसके बाद उस पर जो डिज़ाइन है वो भी बनाया जाता है और इसी तरीके से हर साल नई नई आइटम दियों की देखने को मिलती है। करीब पिछले 50 सालों से इसी तरीके से वो दिए बना रहे हैं। आप लोगों से भी यही अपील करेगा सूर्य समाचार कि चाइनीज़ सामान को दूर करना है, परे करना है और मिट्टी के दिए बनाने हैं और उन्हें जलाना है, क्योंकि दिवाली जो है वो रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। अगर आप यहाँ पर आकर ख़रीदेंगे तो इनकी भी खुशियाँ जो है वो अच्छी होंगी, इनका भी त्यौहार अच्छा होगा और आपका त्यौहार भी अच्छा जाएगा। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु। देश भर में दिवाली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, बाजार सज चुके हैं, गलियां डेकोरेट हो रही है और मार्केट में चहल पहल बढ़ रही है। पीएम मोदी की ओर से भी वोकल फॉर लोकल अभियान चलाया गया है जिसमें स्थानीय चीजों की खरीदारी करने को कहा गया है। लेकिन इस दिवाली कुम्हारों की क्या है स्थिति, कैसी है उनकी दुकानदारी, जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में दिवाली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, बाजार सज चुके हैं, गलियां डेकोरेट हो रही हैं और मार्केट में चहल पहल बढ़ रही है। लेकिन बाजार में बिक रहे चाइनीज दिए, झालरों, प्लास्टिक और पीतल की फैंसी सामग्रियों की वजह से मिट्टी के दियों और कलशों की मांग बाजार में कम हो गई है। सस्ती चमचमाती चीनी लड़ियों की वजह से ही देशी बाजार साल दर साल मंदा होता जा रहा है। हालत ये है कि दिए तो तैयार हैं लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दीपावली पर्व पर मिट्टी के दियों की मांग काफी घट गई है जिससे जिले के कुम्हारों के माथे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी हैं। इसके चलते मिट्टी के दिए बनाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले कुम्हार काफी परेशान हैं। 50 साल होएगी मान तो करता जी, पर कोई लाभ देना हुई दिवाली दिवाली पे देख लो 15 दिन को, यो भी बहुत कम सीजन हो गयो और कोई फायदो नहीं से, सबकी मोली मोला मट्टी भी बड़ी तो भी और कोई नहीं ले, इतना सब कूलर फ्रीज चाल गया ये। बस ये दीपक दीपक देख लो, ये भी थोड़ा बहुत ले से मोमबत्ती चाल गई, ये तो बिल्कुल कम कर दिया। गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं हो रहा जी, पर क्या करा। अब
मिट्टी के दिए और कलश सहित अन्य सामग्री बनाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले दुकानदारों का जीवन यापन का प्रमुख व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाकर उनकी बिक्री करना है और यही उनकी विरासत है। दीपावली के मद्देनजर मिट्टी के दिए कुम्हार बनाते हैं, लेकिन चाइनीज सामानों के कारण अब तक अपेक्षा के अनुरूप बिक्री नहीं हो पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दीपावली में अभी कुछ दिन शेष हैं, संभव है इस दौरान बिक्री बढ़ेगी और उनका मुनाफा होगा। मिट्टी की सामग्री बनाकर बिक्री करने वाले व्यापारियों का काम कई इलाकों में ठप है। कारण है बाजार में उपलब्ध एक से एक चाइनीज दिए, जिसे लोग मिट्टी के दिए की अपेक्षा ज्यादा खरीदते हैं। साथ ही इन दिनों मिट्टी के बर्तन बनाने में लागत काफी बढ़ गई है, जिसके चलते पहले की तुलना में मुनाफा भी काफी कम हो गया है। हालात ये हैं कि मुश्किल से मिट्टी की तलाश पूरी होने के बाद हाथ की कला से तैयार किए गए मिट्टी के दिए की मेहनत का मेहनताना भी सही से नहीं मिल पाता है। मिट्टी भी मोल आती है, सब कुछ बलिता भी मोल आता है, सब कुछ मोल का आता है और बचौतरी बहुत कम होती है और काम हमारे साल का 6 महीने ही चलता है और घर का गुजारा निठाई चलता है। तो सरकार से हमारी यही विनती है, हमारी कुछ आर्थिक सहायता योजना किम चलाई जाए, जो मिट्टी वगैरह मिल सके हमें। कुम्हारों को उसकी मेहनत के बाद भी सिर्फ निराशा हाथ लगती है। चाइनीज सामानों ने बिक्री कम कर दी, जिससे उनका गुजारा होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रजापत समाज का यही एकमात्र गुजारे का साधन होता है। प्रजापत समाज के लोगों का कहना है कि सरकार को प्रजापत समाज के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, ताकि बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से हो सके। यही कारण है कि प्रजापत समाज की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की इस कला को छोड़कर अन्य कार्य में ज्यादा रुचि ले रही है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की लड़की हूँ और मैं कुमार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमें सहायता की ज़रूरत है और हमारे दिए बनाते हैं और मेरे पेरेंट्स वगैरह सब बनाते हैं, हम भी मिलकर बनवाते हैं। दिवाली पे ज़्यादा तो वो होती नहीं है, लेकिन ठीक है, गुजारा इतना नहीं चल पाता पढ़ाई के लिए भी। ये इनका सामान चाइना वालों ने और ऐसे लड़ी वगैरह ने इन्होंने जगह ले ली है, लेकिन इससे हमारा गुजारा भी नहीं चलता। बहरहाल देश के विभिन्न बाजारों में मिट्टी के दिए बाजार में पहुंच गए हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। इस दिवाली कुम्हारों को मिट्टी के दिए और कलशों की बिक्री से उनके कारोबार में उछाल आएगा, इसी उम्मीद के साथ ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई और गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार दिन रात काम करने लगे। लेकिन बाजारों में बिक रहे चाइनीज सामान और फैंसी आइटमों की वजह से मिट्टी के दिए और अन्य सामान की बिक्री कम हो गई है, जिससे कुम्हारों की चिंता बढ़ गई है। दीपावली के सीजन को लेकर अब कुम्हार परिवार मटके और मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है। चारों ओर आप देख पा रहे हैं, ये कुम्हारों का मोहल्ला है और यहाँ पर मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं, मटके बनाए जा रहे हैं। ये दीपक हैं कच्चे और कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से माटी को गुंदा जा रहा है यहाँ पर। और एक कहावत भी है इस मिट्टी को लेकर, कहा जाता है कुम्हार के लिए कि तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। यानी कहा जाता है कि मिट्टी कह रही है कुम्हार से कि तू मुझे क्या रोंद रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रोंदूंगी। ये कुम्हार परिवार पर कहावत बनाई गई है। आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी के दीपक और मटके बनाए जा रहे हैं। इन परिवारों का कहना है कि मात्र सीजनल ये काम रह गया है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है, क्योंकि मिट्टी के दीपक की जगह चाइनीज लड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक दीपक ने ले ली है, तो वहीं मटकों की बिक्री भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन दीपावली के त्यौहार को देखते हुए कुछ काम जरूर चला है। सूर्या समाचार के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार। प्रकाश पर्व दीपावली पर घर आंगन को प्रकाशमय करने के लिए लोग काफी तैयारियां करते हैं। इसके लिए घरों, कारखानों, मंदिरों आदि की साफ सफाई और रंगाई पुताई की जाती है। दीपावली पर आप और हम अपने घरों को दियों की रोशनी से जगमग कर सके, इसके लिए कुम्हार मिट्टी का दिया आदि बनाकर हम तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि अब लोग चाइना झालरों और दियों का उपयोग छोड़कर मिट्टी के दिए का उपयोग में अपने घरों में ले रहे हैं। देखिए कुम्हार बस्ती में दिवाली की कैसी है तैयारियां, हमारी इस खास रिपोर्ट।
भिवानी के कुम्हार आजकल बहुत बिजी हैं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम जो करते हैं। दीपावली उनके काम का पीक सीजन है। हाथों के बने दियों की मांग के हिसाब से सप्लाई के लिए दिन रात ये लोग काम करते हैं। सड़क किनारे दिया खरीदते हुए जाने अनजाने मूल भाव में आपने भी कभी ना कभी कहा ही होगा, अरे भैया मिट्टी का ही तो है, सस्ता लगा दो ना। कुम्हार की मेहनत को सबसे ज्यादा चोट और ठेस आपके इस डायलॉग से ही लगती है, क्योंकि मिट्टी के दिए बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है। जिससे आपके और हमारे घर में दिवाली पर दियों से रौनक आ सके। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो कुम्हारों ने बताया कि दियों की डिमांड इस साल हाई है और साथ ही कहा कि मिट्टी से बने दिए पर्यावरण के लिहाज से भी फायदेमंद हैं। 2000 साल से ज्यादा दियों की मांग बढ़ चुकी है। मिट्टी का काम, जो भी मिट्टी का सामान बनता है, उनकी मांग ज्यादा बढ़ती जाती है। और मैं तो सभी कहूंगा, चाइनीज माल लोगों ने बहुत ही नकार दिया है और आने वाले समय में बिल्कुल नकार देगी। जो जो चाइनीज माल बंद होता रहेगा, अपने मिट्टी का काम में जोरों को जोर पकड़ जाएगा। दीपक जलाने से तेल सरसों का तेल से दीपक जलाएंगे तो कितना भी बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा। अगर ये और चाइनीज सामान से जलाओगे, लाइट जलेगी, इससे प्रदूषण ज्यादा होता है, पटाखों से ज्यादा प्रदूषण होता है। मिट्टी के चीज में किसी भी कितने भी प्रकार की बत्तियां जला दो, उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। डिमांड मिट्टी के हर आइटम की डिमांड बढ़ रही है देश में। लोग इस चीज से एक किस्म के तंग आ चुके हैं कि जो चाइनीज सामान है जो हम ओवन में गर्म करते हैं, बंद कुकर में दाल वगैरह पकाते हैं, इन लोगों से लोगों की बीमारियां बढ़ी है। जबकि हम मिट्टी का सामान जब यूज करते हैं तो उसमें एक प्राकृतिक चीज हमें मिलती है, पोल्यूशन से बचते हैं और जो बीमारी काफी खत्म होती है। मटके का पानी पीने से ज्यादा बीमारी खत्म होती है। जो अब ये नए नए आइटम आए हुए हैं कि आप इनको गैस पे भी मिट्टी की आंडी या ये जो कुकर वगैरह नए आए हैं तो इनको आप बना के उस पे भी यूज करो तो ये ऐसा नहीं कि फट जाएंगे। पहले के दिमाग में लोगों के थी कि भी हम तो गैस यूज करने लगे तो गैस पे ये मिट्टी के बर्तन कामयाब नहीं होंगे। प्रचलन बढ़ा है, उसके साथ में प्रजापति समाज की ये मिट्टी की भी महंगी हुई है। इनकम तो बढ़ रही है, लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले इनको घर घर जाके देने पड़ते थे, अब लोग खुद खरीदारी, इतनी जागरूकता आई है समाज में कि खुद आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो उससे इनकम तो बढ़ रही है पर मेहनत भी बढ़ रही है। सरकार से हमने पहले भी अपील की थी, समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, कि जो आवे की जगह है वो सरकार दे, जो मिट्टी की जगह है वो सरकार दे, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहे और लोगों का सुख सुविधा और स्वास्थ्य ठीक रहे। एक दीपावली के लिए खूब आवे हमारे गायक भी, खूब आवे हमारे सामान लेने, मर्द रहे ये इबकाली इतनी मांग है, मर्द पूरा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारी जगह थोड़ी पड़ जाए, हम काम कर लिए। पहली मैं एक जनी करूँ थी, ये मेरे बच्चे भी हो गए काम करने वाले, हमने घर को नहीं इतना बड़ा हमारा जो हम काम कर सका। मेरी हाथ जोड़ के यह प्रार्थना है, हमने सबने थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए जो हमारा काम चल जाए। पहले से डिमांड बढ़ी है, काफी अच्छा काम हुआ है। अब की जो सरकार है पहले से मतलब बढ़िया ही है, अभी तो पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा मतलब जो मेड इन इंडिया स्टार्ट हुआ है तब से मतलब अच्छा अपने दिए वगैरह को अहमियत दी जा रही है। पहले तो चाइनीज लड़ी वगैरह अहमियत देती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आया, जब से हमारा अपना कल्चर अपनाया है, जैसे मोदी सरकार ने बताया है उस टाइप से अपने जो दिए वगैरह है, कुल्लड़ी वगैरह है, इनका ज्यादा पर्सनल बढ़ा है हर घर में। मतलब दिए पहले लड़ी की जगह, अब दियो ने जगह ले ली है उन सब की, तो काफी व्यापार अब बढ़ा है पहले से मुकाबले। घर आंगन चौबारे खेत खलिहान कारखाने गैराज और दुकान आदि सभी स्थानों को रोशनी से जगमग करने का मन सभी लोगों का रहता है। मिट्टी के दियों में सरसों का तेल और कपास की बाती के जलते दीपों से निकलने वाली किरणें हमारे पर्यावरण के लिए हितकारी तो होती ही हैं, साथ ही हानिकारक कीट पतंगे भी मर जाते हैं। और मिट्टी के बने दीपों को बेचकर हमारे देश के गरीब कुम्हारों की दिवाली भी बड़े धूम से मनती है। दिनों दिन हाईटेक हो रहे इस युग में अधिकतर लोगों ने चाइनीज झालरों और मोमबत्ती आदि का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारा पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही मिट्टी के दीपों को बनाने और उसी से जीवन चलाने वाले कुम्हारों की दीपावली फीकी पड़ने लगी है। इस दीपावली में कुम्हारों की भी तो बेहतर दिवाली हो, इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और चाइनीज व अन्य विदेशी झालरों और मोमबत्ती आदि का उपयोग छोड़कर मिट्टी के बने दीपों का ही उपयोग करना होगा और देश के जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाना होगा। इससे हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा।
दिवाली की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। इसी के चलते बाजार भी सज चुके हैं और भारी संख्या में लोग अब बाजारों में दिवाली की शॉपिंग करने भी पहुंच रहे हैं। इसी के चलते सीटीआई की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और वहीं चाइनीज और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। इसी पर रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली के अवसर पर हर कोई अपने घर को दुल्हन की तरह सजाता है, जिसके लिए लोग लाइटिंग, रंगीन दियों और अन्य सजावटी सामान की बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। जिसको देखते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीटीआई की तरफ से चाइनीज प्रोडक्ट्स की खरीदारी को बंद करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग चीन के प्रोडक्ट्स की जगह स्वदेशी प्रोडक्ट्स की खरीदारी ज्यादा करें, जिससे चीन को इस बार दिवाली के मौके पर भारत से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। बीते कई सालों से व्यापारिक संगठन देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, जिसमें खास तौर से व्यापारियों की तरफ से ये कहा जाता है कि अब हर चीज भारत में सस्ते दामों पर बन रही है, जिसकी वजह से लोगों में इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि लोग अब अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करें और वही चीज खरीदें। बता दें कि बाजारों में घर सजाने के लिए दिवाली के मौके पर खूब अलग अलग तरह के लाइट्स और डेकोरेशन के सामान मिल रहे हैं। लाइट्स, दिया, फूल, दिवाली के बैनर की भी खूब बिक्री हो रही है। लोगों की भी अब दुकानों पर पहली पसंद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही है, तो वहीं बड़े स्तर पर व्यापारियों के साथ ये छोटा व्यापार करने वाले और ऑनलाइन बिजनेस करने वाली महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका होता है, जब त्योहार के अवसर पर उनके प्रोडक्ट्स की जमकर बिक्री होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश दिवाली वोकल फॉर लोकल में इतना ही। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।